हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इनके प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एज वेल एज यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन को स्टार्ट करने के पहले हम लोग हेलो एल्केन्स से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हेलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, बेंजाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड क्या होते हैं, वीक एंड जेम डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, इन सभी पॉइंट को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो अंडर जनरल इन्फॉर्मेशन ये हो गया जनरल फार्मूला, प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड्स क्या हो गया, और ये एल्केन्स डेराइवेटिव, जिनको एल्केन डेराइवेटिव क्यों बोला जाता है, जेम डाई हैलाइड हो गया, वीक डाई हैलाइड हो गया, एलाइल विनाइल बेंजाइल एंड एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, इनके केमिकल फार्मूला के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ जर्नल फार्मूला के बारे में। तो बेसिकली हेलो एल्केन्स का या एल्काइल हैलाइड का जो जर्नल फार्मूला होता है, फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जर्नल फार्मूला होता है इनका CnH2n+1 होता है और यहाँ पर X होता है, ये होता है जर्नल फार्मूला, ठीक है। ये X जो होता है आपका हेलोजन होता है, यहाँ पर हो सकता है आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। और N की वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, डॉट डॉट कुछ भी आगे हो सकता है, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर आप इस केमिकल फार्मूला में बेसिकली N की वैल्यू रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ये H हो गया तो 2 1, ये 3 हो जाएगा भाई, X हो गया, तो यहाँ से बनने वाला फार्मूला क्या हो गया, CH3, और यहाँ पर X की वैल्यू अगर Cl रखते हैं तो यहाँ पर Cl कर देते हैं, तो CH3Cl हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया है, ये मिथाइल क्लोराइड हो जाता है। अगर N की वैल्यू आप 2 रखते हैं, N=2 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 4+1 ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो गया, तो ये इथाइल क्लोराइड हो गया। नॉमिनकल्चर आपको मालूम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, तो इसको आसानी से नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हेलो एल्केन्स का या एल्काइल हैलाइड का किसी तरह का भी फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जब आप लोग केमिकल रिएक्शन सीखेंगे तो ऐसे हैलाइड्स आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्राइमरी हैलाइड, ये CH3, ये CH2 और ये Cl हो गया। सेकेंडरी हैलाइड के बारे में बात करें तो ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, और ये CH3 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर Cl लगा दिया। अगर मैं टर्शियरी हैलाइड के बारे में बात करूँ तो CH3 और ये C और ये CH3 हो गया भाई, ये CH3 हो गया और ये Cl हो जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एग्जाम्पल तो मैंने लिखे हुए हैं, तो बेसिकली आप देखें ये Cl किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप इस कार्बन की पोजीशन देखें, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मतलब ये प्राइमरी में चला जाएगा, अगर ये कार्बन आपका दो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ तो वो सेकेंडरी चला जाएगा, अगर ये कार्बन आपका 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो टर्शियरी हो जाता है। तो अब देखिए, ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की आप पोजीशन देखें तो ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये प्राइमरी हैलाइड हो गया, ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन प्राइमरी हैलाइड में चला जाता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम इसके बारे में बात करते हैं, ये Cl किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की पोजीशन आप देखें, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब है कि सेकेंडरी कार्बन हो गया और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन क्या हो जाता है, सेकेंडरी हैलाइड हो जाता है, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अगर यहाँ पर हम इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो ये Cl किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस कार्बन की पोजीशन आप देखें, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है आपका टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन हो जाता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ये पार्ट हो गया भाई। तो इस तरह से आप आसानी से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक भाई। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे CH3 हो गया AC और ये CH3 हो गया और ये यहाँ पर Cl लगा दिया और ये CS, ये यहाँ पर CH कर लेते हैं, ये Cl हो गया और यहाँ पर CH2 हो गया और ये Cl हो गया भाई, ये पार्ट आप ध्यान दीजिए भाई। अगर मुझे इस कंपाउंड में आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, अब ध्यान दीजिए बेसिकली अगर मैं इस Cl के बारे में बात करूँ तो ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की पोजीशन देखें, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब प्राइमरी
एल्काइल हैलाइड हो गया भाई, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम इस Cl के बारे में बात करें तो ये Cl किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। अब इस कार्बन की पोजीशन आप देखें तो ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कि ये सेकेंडरी हैलाइड में चला जाएगा क्योंकि ये है आपका सेकेंडरी कार्बन, ठीक है भाई। अगर मैं इस Cl के बारे में बात करता हूँ, ठीक है भाई, तो ये कार्बन, ये Cl कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की पोजीशन देखें, ये कार्बन कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन से Cl जुड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी हैलाइड है, कौन सा सेकेंडरी हैलाइड है और कौन सा टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। इनको एल्केन डेराइवेटिव्स के नाम से भी जाना जाता है। एल्केन डेराइवेटिव्स का मतलब क्या है कि एल्केन में किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, वहां पर हैलोजन लगा देंगे, तो वहां पर आपको मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन, ठीक है भाई। यहां पर अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में बात करूं, थर्ड पॉइंट, अब ध्यान दीजिए भाई, हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, यहां पर 3 लिख देता हूं। अब देखिए भाई, हैलो एल्केन जैसे मैंने यहां पर मीथेन ले लिया, ये यहाँ पर एल्केन डेराइवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं मीथेन ले लेता हूँ भाई, मीथेन एल्केन ले लिया, ये क्या है एल्केन। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम अगर Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं और ये हो गया HV सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बेसिकली जब कोई रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में तो वो वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बेसिकली रिएक्शन को कंप्लीट किया जाता है। मतलब है कि इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और ये H हो गया, ठीक है। Cl2 को आप कैसे लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl लिख सकते हैं। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगी, ठीक है भाई, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको जाएगी। तो मतलब ये है कि ये H. एंड Cl. कंबाइन होकर के HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, ये पार्ट हो गया भाई, ठीक है। और ये जो दूसरा Cl. है और ये CH3. ये कंबाइन होकर के क्या बना देगा आपका, CH3Cl बन गया। तो लीजिए, मिल गया आपको मिथाइल क्लोराइड, मींस हैलो एल्केन्स मिल गया, मतलब है कि एल्काइल हैलाइड आपको मिल गया, ठीक है। फर्दर अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, Cl2 के साथ में HV सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होता क्या, इस बार उसी पैटर्न में एक H और एक Cl निकल जाएगा, तो HCl निकाल देंगे। अब यहाँ पर दूसरा Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 और ये Cl2 हो गया, ये डाई हैलाइड मिल गया। इसके बाद में अगर फर्दर Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HV, तो फर्दर 1HCl निकल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसके पास में 3 Cl हो जाएंगे, तो CHCl3 हो जाएगा, ट्राई हैलाइड हो गया भाई। अब इसके बाद में अगर फर्दर हम Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अब देखिए भाई, एक H और एक Cl निकल जाएगा, तो यहाँ से HCl आपने निकाल दिया, तो ये हो जाता है CCl4, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाता है, टेट्रा हैलाइड हो गया भाई। तो देख सकते हैं कि हर तरह के हैलो एल्केन्स, चाहे मोनो हैलाइड हो, चाहे डाई हैलाइड हो, चाहे टेट्रा हैलाइड हो, चाहे ट्राई हैलाइड हो, इन सभी को बेसिकली आप एल्केन से फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस वजह से इनको एल्केन डेराइवेटिव्स के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में कार्बन टेट्रा क्लोराइड के रिएक्शन फर्दर आप Cl2 से कराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ से आप HCl का रिमूवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज जेम डाई हैलाइड्स। नेक्स्ट है आपका जेम डाई हैलाइड। हम जेम डाई हैलाइड के बारे में बात करेंगे, फोर्थ पॉइंट हो गया जेम डाई हैलाइड, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, जेम डाई हैलाइड, यहाँ पर अगर आप देखें डाई हैलाइड, इसका मतलब 2 हैलोजन्स लगे हुए हैं। और जेम का मतलब क्या होता है कि एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ CH3 और ये CH और ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, तो आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में बेसिकली 2 Cl एक ही कार्बन से अटैच हैं, मतलब ये हो गया आपका जेम डाई हैलाइड। 2 हैलोजन्स हैं और एक ही कार्बन से लगे हुए हैं 2 हैलोजन, तो ये हो जाता है जेम डाई हैलाइड, ठीक है भाई। इसको अगर नेमिंग करना चाहें तो ये हो जाएगा 1,1-डाइक्लोरो और ये क्या हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा। तो नॉमिनक्लेचर आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ईजी पार्ट है। अच्छा, और भी एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो ये CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये CH3 हो गया, और यहाँ से एक Cl यहाँ पर लगाएंगे और एक Cl यहाँ पर आप लगा देंगे, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। तो इसमें अगर आप देखें तो ये भी आपका जेम डाई हैलाइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक ही कार्बन से लगे हुए हैं 2 Cl,
टू हैलोजन्स लगे हैं। अगर मैं साइक्लिक के बारे में बात करूं तो कुछ ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पर एक सीएल हो गया, यहाँ पर एक सीएल हो गया, तो ये भी साइक्लिक आपका जेम डाइहैलाइड हो जाता है क्योंकि एक ही कार्बन से टू हैलोजन्स लगे हुए हैं। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें। केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली जब ऐसे कंपाउंड्स आते हैं तो इनके केमिकल फार्मूलों को कैसे रखना है, कैसे लिखना है, ये पार्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर मैं वीक डाइहैलाइड के बारे में बात करूँ, ये आपका हो गया फिफ्थ पॉइंट, ठीक है भाई। वीक डाइहैलाइड, डाइहैलाइड अब ध्यान दीजिए भाई, वीक डाइहैलाइड्स, तो वीक का मतलब क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर जो डाइहैलाइड मतलब टू हैलोजन्स तो रहेंगे परंतु जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं, एडजेसेंट वन कार्बन भी, इसके बाद में उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है, दोनों कार्बन से एक एक हैलोजन लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया मैंने सी एच थ्री और ये सी एच, ये सी एल हो गया और ये आपका सी एच टू और ये सी एल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं वीक डाइहैलाइड। मतलब कि ये कार्बन और ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं, बिल्कुल जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसका, जो नेक्स्ट कार्बन है अगर दोनों से अगर हैलोजन लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं वीक डाइहैलाइड। जैसे यहाँ पर और भी अगर एग्जांपल लेना चाहें, जैसे सी एच थ्री हो गया ये सी और ये सी एच थ्री हो गया, ये सी एल हो गया, ये सी एच और ये सी एल हो गया और ये आपका सी एच थ्री हो जाता है, तो ये भी आपका हो गया वीक डाइहैलाइड, ठीक है भाई। अगर मैं साइक्लिक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एक सी एल यहाँ पर लगा दीजिए, एडजेसेंट जो नेक्स्ट कार्बन है नेक्स्ट कार्बन में सी एल लगा देंगे तो ये भी आपका साइक्लिक हो जाएगा, वीक डाइहैलाइड, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, बेसिकली इसको अगर मैं सी एच थ्री और यहाँ पर कर देता हूँ सी एच सी एल और यहाँ पर कर देता हूँ सी एच टू और ये सी एच टू और ये सी एल हो गया भाई। अब देखिए क्या इसको हम बोल सकते हैं वीक डाइहैलाइड, इसको हम वीक डाइहैलाइड नहीं बोलेंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये कार्बन दिया हुआ है, एक ये कार्बन दिया हुआ है, ये एडजेसेंट कार्बन नहीं है। अगर ये सी एल इस कार्बन को लगा होता या तो ये सी एल इस कार्बन को लगा होता तो ये हो जाता वीक डाइहैलाइड, ये वीक डाइहैलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें, एडजेसेंट कार्बन में ही आपको सी एल लगाने हैं तभी आपका ये वीक डाइहैलाइड में चला जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एलाइल हैलाइड के बारे में, ठीक है भाई। ये हो गया आपका सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है, एलाइल हैलाइड के बारे में, एलाइल हैलाइड अब ध्यान दीजिए, एलाइल हैलाइड यहाँ पर एक ही हैलोजन रहेगा। अब एलाइल, एलाइल वर्ड जो आ रहा है, जो एलाइलिक कार्बन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, जो आपका एक डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, जो आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, उसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड और ये CH हो गया, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया और यहाँ पर आपका CH2 और ये हो गया भाई। ये कार्बन के बारे में बात करें, ये तो हो गया आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये तो हो गया आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम। आप ध्यान दीजिए भाई, ये CH2 है, ये CH2 है, तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, जो नेक्स्ट कार्बन जो अल्फा कार्बन है बेसिकली ये होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इसके पास में फोर सिग्मा बॉन्ड है। अगर ये अल्फा कार्बन जो डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है उस कार्बन से अगर हैलोजन लगा हुआ है तो ये हो जाता है एलाइल हैलाइड, ये एलाइलिक कार्बन होता है, एलाइलिक कार्बन से लगा हुआ हैलोजन ये चला जाएगा आपका एलाइल हैलाइड में, ये पार्ट हो गया। तो बेसिकली इस ऐसे कंपाउंड्स को आप दिमाग में रखें। अगर मैं साइक्लिक के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पर क्लोजनिंग ले लिया मैंने भाई, ठीक है, ये पार्ट हो गया और यहाँ पर एक सी एल लगा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो हो गया आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, या ऑफकोर्स ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया भाई, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ हैलोजन है तो ये चला जाता है एलाइल हैलाइड, ये भी आपका एलाइल हैलाइड का एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं विनाइल हैलाइड के बारे में, ठीक है भाई। तो ये आपका सेवंथ पॉइंट हो गया। विनाइल हैलाइड के बारे में अगर हम बात करें तो विनाइल कार्बन के बारे में हम समझ लेते हैं, हैलाइन मतलब यहाँ पर भी एक ही हैलोजन आएगा। आप ध्यान दीजिए भाई, विनाइल का मतलब क्या है कि बेसिकली जो एक डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो कार्बन लगे रहते हैं, अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम में ही, अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम में ही बेसिकली जो कार्बन आपके जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं उन्हीं से अगर हैलोजन लगा होता है तो यहाँ पर हो जाता है विनाइल हैलाइड। आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CH2 और डबल बॉन्ड और ये CH, आप ध्यान दीजिए ये है आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम,
ठीक है भाई। डबल बॉन्डेड सिस्टम में जो कार्बन बेस के लिए प्रेजेंट हैं, इसको ये भी आपका एसपी टू हाइब्रिडाइज है, ये भी आपका एसपी टू हाइब्रिडाइज है। इन एसपी टू हाइब्रिडाइज किसी एक कार्बन से अगर हैलोजन लगा हुआ है तो वो चला जाएगा विनाइल हैलाइड। ये विनाइल हैलाइड, ये बेसिकली ये विनाइल कार्बन हो जाता है, इसको भी आप बोल सकते हैं विनाइल कार्बन। और ये आपका हैलोजन अगर विनाइल कार्बन से लगा हुआ, ये हो जाता है विनाइल हैलाइड, हो जाता है विनाइलिक कार्बन बोल सकते हैं, विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन से अगर हैलोजन लगाए तो ये चला जाता है विनाइल हैलाइड में। तो आप डिफरेंस आप देख सकते हैं। एलाइलिक कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड सिस्टम का, जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो होना चाहिए एसपी टू हाइब्रिडाइज। और विनाइलिक जो कार्बन होता है, जो डबल बॉन्ड सिस्टम में जो प्रेजेंट कार्बन होते हैं उसमें से जो आपका एसपी टू हाइब्रिडाइज है उनसे हैलोजन लगा है तो वो चला जाता है विनाइल हैलाइड में। तो ऐसे कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। केमिकल रिएक्शन में ऐसे कंपाउंड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इनके केमिकल फार्मूला को दिमाग में रखें जब इनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड के बाद में, ठीक है। बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड, ये कौन सा पॉइंट हो गया, हम लोग बातचीत कर रहे हैं 8th पॉइंट के बारे में, ठीक है भाई। अब बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बेंजाइलिक कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो कार्बन है वो होना चाहिए आपका एसपी टू हाइब्रिडाइज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है भाई। इससे लगा हुआ जो कार्बन है, ये जो आपका अगर ये कार्बन की कंडीशन क्या होना चाहिए, कार्बन आपका होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अगर ये अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो आप इसको बेंजाइलिक कार्बन नहीं बोल सकते हैं। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें, अगर बेंजीन रिंग से लगा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन है अगर ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन से लगा हुआ जो हैलोजन होता है उसको हम बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। तो ये हो जाता है बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजाइल हैलाइड का एग्जांपल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत ही रिएक्टिव सब्सटेंस है। इसकी रिएक्शन जब आप लोग पढ़ेंगे तो इंजॉय करेंगे। रीजन क्या होता है, जब इसको बेस की यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड जो सीएल को बहुत ही आसानी से रिमूव करेगा। तो इसकी रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग आगे आने वाली रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। अब इसके बाद में हम लोग 9th कौन सा पॉइंट है भाई, ये आपका 7th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया, और हम 9th पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 9th पॉइंट के बारे में ये है आपका एराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। एराइल हैलाइड, तो बेसिकली हैलाइड्स में अगर आप देखें तो कुछ होते हैं आपके एलिफैटिक हैलाइड और कुछ होते हैं एरोमेटिक। जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब क्या होता है, जो आपका बेंजीन रिंग होता है अगर बेंजीन रिंग से हैलोजन लगा हुआ है मतलब वो चला जाता है आपका एराइल हैलाइड में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, ये हो गया, ये सीएल हो गया, तो इसको आप बोल सकते हैं क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग से अगर हैलोजन लगा हुआ है, ये BR हो गया, तो इसको बोल सकते हैं ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से इनकी नेमिंग कर सकते हैं आप। देखिए भाई, बेंजाइलिक हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड यहाँ पर एराइल हैलाइड, इन दोनों में डिफरेंस होता है। रीजन क्या होता है इसमें अगर आप देखें तो ये जो सीएल लगा हुआ है तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, और इसमें अगर आप देखें तो ये जो सीएल लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग से ही अटैच है, जिसमें से जो कार्बन होता है ये आपका क्या होता है भाई, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर इस कार्बन के बारे में बात करें तो ये होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज। ये पार्ट में आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि इन कंपाउंड्स का जब फार्मूला आपको मालूम है तभी इनकी केमिकल रिएक्शन आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस को। नेक्स्ट है प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स की जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शंस हैं उन सभी को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो इन सभी मेथड को यूज करके आप आसानी से हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट मेथड के बारे में बात करें तो एल्केन से भी आप हैलो एल्केन्स बना सकते हैं, एल्कीन से, एल्कोहल से भी बना सकते हैं, और ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं, इन सभी नेम रिएक्शंस को यूज करके आप हैलो एल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन का बेस
बेसिकली जब आप डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से आप आसानी से हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं एल्केन ले लेता हूँ, जैसे आपका लोएस्ट मेंबर ऑफ एल्केन हो गया, आपका मीथेन हो गया, और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ में हैलोजिनेशन करते हैं, ठीक है भाई, और यहाँ पर सनलाइट हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, मतलब ये रिएक्शन जाएगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हो गया आपका CH3, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये H हो गया, और Cl2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अगर ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो एक डॉट ये हो गया, एक डॉट इसको चला जाएगा। तो बेसिकली फ्री रेडिकल में क्या होता है, जब बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो जो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक ही केमिकल बॉन्ड में, तो वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है। इन द सिमिलर पैटर्न जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक डॉट इसको चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, तो एच डॉट एच सी एल डॉट ये कंबाइन हो जाएंगे भाई। तो लीजिए एच सी एल निकल गया, एच सी एल निकल गया। अब यहाँ से सी एच थ्री डॉट हो गया और ये सी एल डॉट हो गया, तो ये आपका बन गया एल्काइल हैलाइड बन गया, सी एच थ्री मिथाइल क्लोराइड बन गया। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। हाँ, इसकी रिएक्शन अगर फर्दर इसके साथ में कराएंगे सी एल टू के साथ में, तो ये डाई हैलाइड बन जाएगा। फर्दर फिर से कराएंगे तो ट्राई हैलाइड, फिर इसके बाद में टेट्रा हैलाइड, ऐसे रिएक्शन चली जाती है। मतलब हर तरह के हैलाइड यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर इसी के साथ में अगर मैं एक दूसरी रिएक्शन ले लेता हूँ, एक ऐसा एल्केन जिसमें से आपका टर्शरी कार्बन प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया सी एच थ्री, और ये सी एच थ्री हो गया, और ये सी एच थ्री हो गया, और यहाँ पर H हो गया, ध्यान दीजिए भाई। और यहाँ पर हम सी एल टू के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे हम Cl को और ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो एक डॉट इसके पास में, एक डॉट इसके पास में। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग बहुत ही जल्दी की जा सकती है इन कंपैरिजन टू दिस वन। इसमें अगर आप देखें तो टर्शरी कार्बन मिलने वाला है, फ्री रेडिकल का टर्शरी कार्बन जो हाईली स्टेबल चला जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग बहुत ही फास्ट होगी, मतलब यहाँ पर डॉट हो जाएगा, एक डॉट यहाँ पर हो जाएगा, तो ये HCl आपका निकल जाएगा। और ठीक है, यहाँ से HCl मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में ये हो जाता है CH3, और ये C, और ये CH3 हो जाता है, और ये CH3 हो जा गया, और ये आपका Cl हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर भी हेलो एल्केन मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको हेलो एल्केन मिल गया। परंतु अगर आप देखें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा होगी। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर आपको टर्शरी कार्बन, फ्री रेडिकल का टर्शरी कार्बन मिल रहा है। अब देखिए भाई, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करें उन कंपाउंड्स में जिसमें से हाइड्रोजन आसानी से निकाला जा सके, ये पार्ट में लिख देता हूँ, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन उन कंपाउंड से जिनसे हाइड्रोजन बहुत ही आसानी से निकाला जा सके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में एलाइलिक कार्बन, फिर इसके बाद में हो जाता है टर्शरी कार्बन, फिर इसके बाद में सेकेंडरी कार्बन, फिर इसके बाद में प्राइमरी कार्बन, और लास्ट में हो जाता है CH4। तो ये चीज़ दिमाग में रखें, बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है, और जितना जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा उतना जल्दी बेसिकली रिएक्शन आगे चली जाती है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है इन कंपैरिजन टू दिस वन, मतलब कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। ये पार्ट हो गया। अगर हम हैलोजन्स के बारे में बात करें तो हैलोजन तो बेसिकली द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन्स, यहाँ पर लिख देता हूँ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन्स, ठीक है भाई, हैलोजेंस हो गया। तो ये फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर इसके बाद में ब्रोमीन और फिर इसके बाद में आयोडीन, ये हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। अब ये पार्ट हो गया। तो ये चीज़ दिमाग में रखें, बेसिकली जो ऑर्डर मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है हैलोजेंस की जो ऑर्डर होती है, तो F2 की सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद में Cl2, फिर इसके बाद Br2 के बाद में, फिर इसके बाद में लिस्ट में चला जाता है I2 के साथ में। अब देखिए भाई, अगर आपने एल्केन्स हैविंग मोर देन थ्री कार्बन्स लिया हुआ है, अगर उसमें से रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं तो ये पार्ट आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे ये सी एच थ्री हो गया और ये सी एच टू हो गया और ये सी एच थ्री हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और ये आपका सेकेंडरी कार्बन, ठीक है भाई। यहाँ पर इसका हम हैलोजिनेशन करने वाले हैं, डायरेक्ट हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए भाई, अब आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि किस कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल बहुत फास्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली प्राइमरी
कार्बन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन स्लो होगा, सेकेंडरी कार्बन से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बहुत ही फास्ट होगा। तो बेसिकली यहाँ पर दो मिक्सचर मिलेंगे। जब एक हाइड्रोजन आप हटाएंगे प्राइमरी कार्बन से तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, जब एक हाइड्रोजन आप हटाएंगे सेकेंडरी कार्बन से एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, सिंस यहाँ पर आपका जो सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी जो कार्बन है, इससे हाइड्रोजन आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं, इस वजह से इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा तो वो स्टेबल फॉर्म में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर बनने वाले जो दो प्रोडक्ट हो जाते हैं ये CH3 हो गया। अगर मैं प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो HCl निकलेगा, HCl निकल जाएगा भाई। अब इसके बाद में दूसरा Cl इस कार्बन से लगेगा तो ये CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये Cl हो जाता है, ठीक है भाई। अगर मैं सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो Cl यहाँ पे लगेगा तो दूसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3 और ये CH हो जाएगा और ये CH3 हो जाता है, यहाँ पे Cl लग जाता है। तो ये क्या हो गया भाई, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये आपका चला जाता है मेजर में और ये चला जाता है माइनर में। ये पार्ट आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, अगर आपने Cl लगाया हुआ है या Cl आपने लगाया हुआ है प्राइमरी कार्बन को माइनर में चला जाएगा, अगर सेकेंडरी कार्बन को अटैच किया हुआ तो ये चला जाएगा मेजर में। तो इस तरह से बेसिकली मिक्सचर आप प्रोडक्ट मिलेंगे और मेजर माइनर का आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ देखिए भाई, यहाँ पर बेसिकली अगर आपने हेलो एल्केन्स की रिएक्शन एल्केन्स की रिएक्शन कराई हुई है सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में, SO2Cl2 के साथ में, ये रिएक्शन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में होती है या परऑक्साइड के प्रेजेंस में होती है। चलिए इस रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं, कहीं तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए भाई, जो दूसरा पार्ट है, अगर आपने लिया हुआ है जैसे आपका हो गया CH3 हो गया और ये CH3 हो गया, ठीक है, ये क्या भाई एल्केन हो गया, इसकी रिएक्शन आपको कराना है सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया भाई HV और यहाँ पे परऑक्साइड लेना है। हमेशा इन्हीं के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, होता क्या भाई इसके लिए। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है, ये भी आपका प्राइमरी कार्बन है, मतलब एक ही कार्बन को आपको किसी एक कार्बन को आप हैलोजिनेट करने वाले हैं। अब देखिए भाई, यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ तो HCl निकल जाएगा और एक दूसरा Cl यहाँ पे आ जाएगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3 और ये CH2 और ये Cl हो गया। अब दूसरा क्या हो जाएगा भाई, ये HCl निकला हुआ है, HCl कर दिया, अब यहाँ पर बचा क्या, केवल SO2, तो एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से SO2 गैस निकाल देंगे। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है, ये HCl है, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली ये मेथड बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने क्लोरीनेटिंग एजेंट या हैलोजिनेटिंग एजेंट पढ़ा होगा, जैसे PCl3, PCl5, SOCl2, वो SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड और ये होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, वो SOCl2 होता है, ये है आपका SO2Cl2। तो इस रिएक्शन को आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बेसिकली एल्केन से डायरेक्ट हैलोजिनेशन करा करके आप आसानी से कैसे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए इसके अगर मैकेनिज्म के बारे में बात करें, छोटी सी मैकेनिज्म है तो उस पार्ट को हम इंक्लूड कर लेते हैं और फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन ही कंटिन्यू किए हुए हैं, फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन, और उस रिएक्शन का बेसिकली यहाँ पर जो एल्केन का हम लोगों ने डायरेक्ट हैलोजिनेशन किया हुआ था, अगर उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसका, ये मैकेनिज्म पार्ट बेसिकली 3 पोर्शन में कम्प्लीट होता है। एक होता है आपका इनिशिएशन, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इनिशिएशन, ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट की जाती है, इनिशिएशन हो गया। स्टार्ट कैसे की जाती है, जो आपका हैलोजन होता है वो सबसे पहले आपका फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम Cl2 ले लेते हैं, ये Cl2 हो गया और ये HV हो गया। अब बेसिकली क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका क्या, ये Cl2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, तो ये Cl डॉट और ये Cl डॉट क्या हो गया बेसिकली, ये फ्री रेडिकल में जनरेट हो जाता है। बेसिकली ये पार्ट क्यों करते हैं, रीजन क्या होता है कि जो आपके एल्केन होते हैं इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और इनकी रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। यही रीजन है कि इनकी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें फ्री रेडिकल को सबसे पहले जनरेट करके इनकी रिएक्शन को स्टार्ट करना होता है। अब देखिए भाई, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, अब ये फ्री रेडिकल एल्केन को टारगेट कर गया। तो दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप ये होता है आपका प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ये होता है भाई, ठीक है, प्रोपगेशन। अब देखिए भाई, यहाँ पर जो ये फ्री रेडिकल है ये एल्केन को टारगेट करता है, ये Cl डॉट हो गया, HV तो रहेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं H, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा तो HCl निकल जाएगा, तो ये CH3 डॉट होता है, ये HCl निकल गया भाई,
ठीक है भाई। अब Cl2 प्रेजेंट है रिएक्शन में, तो अब ये जो आपका फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल तो रिएक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया ना भाई यहाँ पर। अब इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 डॉट रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ में, रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ में। तो अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाएगा, तो CH3 डॉट और Cl डॉट कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये बना देगा CH3, ये Cl और ये Cl डॉट यहाँ से मिल जाएगा। अब लास्ट स्टेप जो आपका होता है टर्मिनेशन, जो थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन, तो मतलब कि जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो आप एक दूसरे से कंबाइन होकर के अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं और इसके बाद में स्टेबल ओजोन में चले जाते हैं, यहीं पर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आप देखिए यहाँ पर क्या होता है भाई, ये Cl डॉट प्लस Cl डॉट कनेक्ट होकर के Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद में ये जो CH3 डॉट है और Cl डॉट है कनेक्ट होकर के लीजिए एल्काइल हैलाइड मिल गया, ये हम लोगों को बनाना था। अब इसके बाद में ये CH3 डॉट है, ये CH3 डॉट, ये डॉट और ये CH3 डॉट भी कनेक्ट होकर के आपका ये CLKN में कन्वर्ट हो जाते हैं, CH3 और ये CH3 हो जाती है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म पार्ट है, बहुत ही ईजी पार्ट होता है, क्योंकि इसमें से आपको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, कोई फैक्टर्स यूज नहीं करना होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, मेजोमेटिक इफेक्ट हो गया, ये पार्ट आपको यूज ही नहीं करना है। और फ्री रेडिकल का मतलब क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करना इन ए बॉन्ड, और इसके बाद में रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से भी आप हैलो एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर हम सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ एल्कीन, ये CH2 और ये CH2 हो गया। अब ये एल्कीन कैसा, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड के दोनों साइड एक एक कार्बन दिया हुआ, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है भाई, अगर इसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ में कराते हैं, जैसे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, जैसे आपका हो गया HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, तो यहाँ पर आप आसानी से हैलो एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप देखिए भाई होता क्या है, ये एसिड है तो आसानी से H प्लस आयन और ये Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए सिंस सिमेट्रिकल है, तो आप चाहे इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करते हैं, चाहे इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करते हैं, अगर इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करते हैं तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, सीधी बात है। अगर इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल जो एल्कीन होते हैं तो उनमें से बॉन्ड ब्रेकिंग आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भाई, अब जो प्रोडक्ट बनेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ये H प्लस माइनस को जाएगा, ये Cl माइनस प्लस को जाएगा, तो ये बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, CH3 और ये CH2 और ये Cl हो गया। लीजिए भाई, ये आपका एथाइल क्लोराइड बन गया। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हम हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में बात करें, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिख देता हूँ, द रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है तो बेसिकली HI का ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद में HBr का होता है, फिर इसके बाद में HCl का होता है, फिर इसके बाद में HF का होता है। रीज़न क्या होता है कि ये बहुत ही जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उतना जल्दी बेसिकली ये जितना जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा उतना जल्दी इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, इसके बाद में रिएक्शन शुरू हो जाती है। प्रोटोनेशन कैसे होता है, चलिए इस पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, परंतु वो पार्ट है डिस्कस करने के पहले हम लोग एक रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें से हम लोग यूज करने वाले हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। चलिए यहाँ पर मैं अनसिमेट्रिकल ले लेता हूँ भाई, ये CH3 हो गया और ये CH और ये डबल बॉन्ड हो गया, ये CH2 हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आप रिएक्शन करा रहे हैं एज Cl के साथ में। ठीक है, तो इसकी बाउंड ब्रेकिंग कैसे हो जाएगी, आसानी से H प्लस आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन और ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए भाई, ये है आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन, क्योंकि इस डबल वन के अगर दोनों साइड देखें तो इस साइड एक ही कार्बन है, इस साइड दो कार्बन है, ये हो गया अनसिमेट्रिकल एल्केन। जब कभी भी आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन दिया है और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पर आपको यूज करना है मार्कोनी काफ रूल। आप ध्यान दीजिए भाई, मार्कोनी काफ रूल जो होता है आप सिमेट्रिकल एल्केन में नहीं यूज कर सकते हैं, ये सिमेट्रिकल एल्केन में इसका एप्लीकेशन नहीं होता है, ये केवल आप यूज कर सकते हैं ओनली इन अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये उन्होंने मार्कोनी काफ ने क्या बोला हुआ, चलिए इस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, मार्कोनी काफ रूल, मार्क हो गया मार्कोनी काफ रूल हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ये बोला है कि एनायन जो होता है, यहाँ से जो एनायन निकलने वाला है, एनायन जो आपका
बेसिकली हैलोजन आयन ही होगा या क्लोराइड आयन हो गया, ब्रोमाइड आयन हो गया, आयोडाइड आयन हो गया। तो बेसिकली जो एनायन होता है, एनायन वो हमेशा उस कार्बन को अटैच होता है जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एनायन, ठीक है भाई, ये नेगेटिव आयन या एनायन कर सकते हैं, एनायन अटैचेस टू दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए डबल बॉन्डेड सिस्टम या इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे कह सकते हैं भाई, इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये हो गया, ये इजी रहेगा, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, आपको केवल फोकस करना है जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वहाँ पर फोकस नहीं करना है जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड दिया हुआ था, ठीक है भाई। अगर मैं मार्कोनी का रूल यूज करता हूँ, सिंस ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन दिया हुआ, तो देखिए भाई ये हो गया आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम। अब फोकस करना है इन दोनों कार्बन पर, इस कार्बन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एनायन आपको हमेशा उस कार्बन पर अटैच करना है जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास में एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास में दो हाइड्रोजन है। ये Cl इस कार्बन को चला जाएगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये CH, ये Cl हो गया, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो अगर Cl इस कार्बन को ज़्यादा है तो हाइड्रोजन इस कार्बन को चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CH3। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और ये आपका क्या हो जाएगा, वह सेकेंडरी हैलाइड बन गया, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, 2-chloroprope बोल सकते हैं। इस तरह से नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। तो बेसिकली जो आपका अनसिमेट्रिकल होता है, क्या अनसिमेट्रिकल जो आपका एल्कीन होता है, वहाँ पर मार्कोनी का रूल यूज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, एक और रूल होता है जो आपका होता है एंटी मार्कोनी का, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं यही सेम कंपाउंड ले लेता हूँ CH3 और ये CH हो गया डबल बॉन्ड, ये CH2 हो जाता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल हो गया। यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ में। एंटी मार्कोनी का रूल हमेशा HBr के प्रेजेंस में ही होता है, और HBr के प्रेजेंस में जब आपका परऑक्साइड दिया होगा, जैसे आपका दिया है H2O2 दिया हुआ है, RO, ये परऑक्साइड हो गया, कभी भी ये आपका ऑक्सीजन ये अगर ये पोजिशन प्रेजेंट है तो मतलब एक परऑक्साइड प्रेजेंट है भाई, ठीक है। ऑक्सीजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 -1 होती है। देखिए ये पार्ट हो गया, जैसे एसिड हो गया आपका, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं C6H5O हो गया, ठीक है, ये COO, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, और एक और आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H5, इस तरह से हो जाता है। तो ये परऑक्साइड में चला जाएगा, 3 ऑक्सीजन आ जाते हैं, तो ये हो गया परऑक्साइड में, परऑक्सी एसिड में चला जाता है। अब देखिए भाई, एंटी मार्कोनिकाओ का मतलब क्या होता है, उल्टा, जो मार्कोनिकाओ ने बताया हुआ था उसका उल्टा मतलब क्या है, कि मार्कोनिकाओ रूल में हम लोगों ने एनायन अटैच किया था उस कार्बन को जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अगर इसका उल्टा करेंगे तो एंटी मार्कोनिकाओ में जब आपका परऑक्साइड दिया हुआ है HBr के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर आपको एनायन अटैच करना है उस कार्बन पर जिसके पास में मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं। तो अब देखिए भाई, इसकी ब्रेकिंग तो होने वाली है, ये हो गया +2, ये आपका नेगेटिव, ये एनायन जनरेट हो गया। एनायन उस कार्बन को जाएगा जिसके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये Br इसको अटैच हो जाएगा और ये HH को अटैच हो जाएगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो जाएगा, और ये CH2 हो गया, और ये Br हो गया, तो ये प्राइमरी हैलाइड बन गया। इसमें अगर आप देखें तो ये प्राइमरी हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए एक चीज़ आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं, कि जब आपका मार्कोनी का रूल दिया हुआ तो सेकेंडरी बना रहा है, जब आपका एंटी मार्कोनी का रूल दिया हुआ तो यहाँ पर आपका प्राइमरी बना रहा है। हाँ, इसको परऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उसको हम परऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पार्ट आप दिमाग में रखें। अगर मैंने HBr की जगह HCl लिया हुआ है, HCl, तो यहाँ पर आप परऑक्साइड का इफेक्ट नहीं यूज कर सकते हैं, एंटी मार्कोनी का रूल नहीं यूज करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिए, HBr के केस में ही एंटी मार्कोनी का रूल अप्लीकेबल है, HBr के केस में एंटी मार्कोनी का रूल अप्लीकेबल है। अदरवाइज आप चाहे HCl ले लें, चाहे HI ले लें, यहाँ पर आप एंटी मार्कोनी का रूल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है भाई। ये पार्ट आप दिमाग में रखें। और इसके बाद में अगर एल्केन की रिएक्शन जब आप कभी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं, तो वहाँ पर अगर एल्केन में रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं, तो आपको रीअरेंजमेंट का पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, तभी आपको स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए भाई, जैसे शुरुआत में मैंने बोला हुआ था कि जैसे अगर यहाँ पर प्रोटोनेशन, एल्कीन का प्रोटोनेशन कैसे कराते हैं, तो ये पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया हुआ, जैसे CH3 हो गया, ये CH हो गया, और ये CH3 हो गया, ये CH, ठीक है, और ये डबल वन CH2 हो गया, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, मैं ये पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट कैसे आप
कंसीडर करेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, HCl के साथ में। ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है भाई। ये IH प्लस आयन आसानी से रिलीज करेगा, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, खासतौर से अगर आप देखें तो अगर मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यूज करता हूँ इस कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से हमें ये पता चलता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग बेसिकली किस साइड होनी चाहिए, जो डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें अगर आप देखें, ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट की हमेशा अपोजिट में बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो ये हो गया आपका पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव। अब देखिए, एच प्लस आयन इस नेगेटिव को अट्रैक्ट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, ठीक है भाई। तो ये बॉन्ड बना लिया, अब क्या हो जाएगा, ये सी एच थ्री और ये सी एच और ये सी एच थ्री हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सी एच और ये हो गया सी एच थ्री, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया प्रोटोनेशन हो गया भाई। तो यहाँ से आपको कैसा कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये मिला आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, ये जो सी एल आयन्स जो बचा हुआ है तो आकर के इसको अट्रैक्ट करेगा, तो सेकेंडरी हैलाइड मिल जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पर ट्रांसफर कर देता हूँ, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा, बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन से या स्टेबल कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यही पार्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर रीअरेंजमेंट होने के चांसेज है आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन, तो वहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट करना है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर अगर आप देखें ये एच है, तो ये हो जाता है आपका हाइड्राइड शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के इसको सप्लाई करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, तो इसको आप बोल सकते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग एच माइनस, ये हो गया हाइड्राइड शिफ्टिंग भाई, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये हो जाएगा आपका सी एच थ्री और ये सी और ये सी एच थ्री हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया सी एच टू और ये हो जाएगा सी एच थ्री, ये हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्टेबल है। अब क्या है भाई, यहाँ पर आपका एन आयन रखा हुआ है, सी एल माइनस आयन आकर के आसानी से इसको अटैक करेगा। जब इसको अटैक करेगा तो ए सी एल माइनस जब इसको अटैक करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये हो जाएगा अब सी एच थ्री, ये सी और ये सी एच थ्री हो गया, ये सी एल लग गया, ये सी एच टू और ये सी एच थ्री, ये पार्ट हो गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इजी पार्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ आप दिमाग में रखें कि जब कभी भी आप एल्कीन का प्रोटोनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट का पार्ट आपको कंसीडर करना है अगर आप स्टेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। चलिए, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन डिस्कस करने के पहले हम लोग एलाइलिक हैलुजिनेशन ऑफ एल्कीन डिस्कस कर लेते हैं। मतलब क्या है कि हम लोग एलाइलिक कार्बन, जो आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अगर एलाइलिक कार्बन का हैलुजिनेशन करते हैं तो यहाँ से भी आपको अनसैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड मिल जाता है, हेलो एल्केन्स मिल जाता है। अब देखिए भाई, जो आपके एलाइलिक कार्बन को हैलोजिनेट करते हैं उन सभी रीजन्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये होता है आपका एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में NBS बोलते हैं। ये हो गया आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड, अगर 200 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ये भी आपका एलाइलिक कार्बन को ही हैलोजिनेट करेगा। Cl2 हो गया, ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। खासतौर से अगर Cl2 अगर हाइयर टेम्परेचर में अगर एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है एल्कीन के साथ में, तो वहाँ पर भी ये उसको एलाइलिक कार्बन को हैलोजिनेट करेगा, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ये पार्ट हम समझ लेते हैं। अब देखिए, हम सेकेंड रिएक्शन ही कंटिन्यू किए हुए हैं भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक कंपाउंड जैसे CH3 हो गया भाई, और ये हो गया CH और डबल बॉन्ड ये हो गया CH2, ठीक है भाई। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये है आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम, और इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, अगर ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब है कि ये हो गया आपका एलाइलिक एल्कीन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एलाइलिक हैलाइड के बारे में डिस्कस किया हुआ था, तो डबल बॉन्ड सिस्टम से आपका जो नेक्स्ट कार्बन होता है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है, एलाइलिक कार्बन हो जाता है। अगर एलाइलिक कार्बन से हैलोजन लगाया तो वो आपका चला जाएगा एलाइल हैलाइड में। तो ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, ये एलाइलिक कार्बन हो गया। अब देखिए, यहाँ से अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, NBS के साथ में, NBS के साथ में। अब देखिए भाई, NBS का मतलब क्या है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, इसमें कौन सा हाइलोजन लगा हुआ है, BR लगा है, ब्रोमो का मतलब BR लगा हुआ है, तो मतलब है कि ये BR इंट्रोड्यूस कर देगा किसमें, ये एलाइलिक कार्बन में एक हाइड्रोजन हटाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH2 और ये BR यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता है और ये आपका CH डबल बॉन्ड ये CH2 हो जाता है, ये अनसैचुरेटेड आपको हेलो एल्केन्स मिल जाता है। तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है। तो ये कुछ सेलेक्टिव रीजन से जो एलाइलिक कार्बन को ही हैलोजिनेट करते हैं, एलाइलिक कार्बन को, अदर कार्बन को
डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए, अगर इस पार्ट को आप समझना चाहें कि रिएक्शन कैसे होती है, अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, ये CH2 और ये CH2 हो गया। अब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड का फार्मूला क्या होता है, ये CH2 होता है, ये COO हो गया, अब ये CH2 हो गया, ये COO हो गया, और ये N एंड ये BR होता है, ये होता है भाई, ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो एलाइलिक कार्बन में जो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है भाई, ये अब देखिए यहाँ पर एक्सचेंज होता है, ये हाइड्रोजन जाता है इस नाइट्रोजन को, और ये जो BR होता है आकर के इस कार्बन को लग जाता है, इस तरह से रिएक्शन होती है। ठीक है भाई, अब देखिए ये CH2Br हो जाएगा, तो बेसिकली ये CH2Br मैंने लिख दिया CH2Br, और ये हो गया CH2, ये CH2, देखिए एलाइलिक कार्बन को इसने हाइलोजनेट कर दिया, ब्रोमीन लगा दिया, और ये H आकर के यहाँ पर नाइट्रोजन में लग जाएगा, तो यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया CH2, ये COO, और ये आपका CH2, और ये COO, और ये हो जाता है N, ये हो जाता है, ये होता है सक्सिनामाइड। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं सक्सिनामाइड। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसमें अगर आप देखें तो ये केवल एलाइलिक कार्बन को ही हाइलोजनेट करता है। जैसे कंपाउंड ले लिया मैंने CH3, और ये आपका CH2, ये CH2 हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कराते हैं SO2Cl2 के साथ में रिएक्शन, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 200°C। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जो आपका एलाइल कार्बन है तो इसे एक हाइड्रोजन, बेसिकली ये हाइड्रोजन निकलेगा तो एक HCl निकल जाएगा, दूसरा Cl इससे लगेगा, तो ये हो जाता है आपका CH2, ये Cl हो गया, और ये आपका CH2, ये CH2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा भाई, SO2, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, और दूसरा क्या हो जाता है आपका HCl, ये गैस के फॉर्म में निकल जाता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, इस तरह से रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली केवल एलाइलिक कार्बन को अटैक करेंगे। अगर मैं Cl2 के बारे में बात करें, Cl2 के बारे में, तो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ, यही कंपाउंड हो गया आपका CH3 हो गया, ठीक है भाई, और ये आप पर CH2 हो गया, तो यहाँ पर अगर आप Cl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे और टेम्परेचर 773K ले लेते हैं, या 600 में भी अगर आप देखें तो इस टेम्परेचर में, मतलब है कि हाई टेम्परेचर लेना है, यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ, हाई टेम्परेचर हो गया। हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होती है। आप लोगों ने सीखा होगा कि जो आपके हैलोजन्स होते हैं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज आपके हैलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं। अब देखिए भाई, होता क्या है कि यहाँ पर एलाइलिक कार्बन को अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH2, और ये Cl, और ये CH2, ये CH2 हो जाता है, ये HCl, ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है। हाँ, ध्यान दें, ये जो आपका NBS है, ये NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर एल्कोहल दिया है तो ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, फिर इसके बाद में रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, एल्डिहाइड को एसिड तक नहीं ले जाएगा, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे आपका CH3 हो गया, ठीक है भाई, ये CH2, ये CH हो गया, ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर CH2OH कर दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पर NBS के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अब होता क्या है, ये है आपका बेसिकली एलाइलिक कार्बन को हैलोजनाइज करेगा, तो सबसे पहले हम एलाइलिक कार्बन को टारगेट करते हैं। ये आप देखिए, आपका एलाइलिक कार्बन है, ठीक है भाई, अब इस एलाइलिक कार्बन में क्या करेगा, SBR निकालेगा, और BR यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पर BR लगा देगा, और यहाँ से H निकालेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2, और ये BR हो गया, और ये आपका CH2, ये CH हो जाता है। अब देखिए भाई, ये आपका क्या है, एल्कोहल दिया हुआ है, प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है भाई, अनसैचुरेटेड प्राइमरी एल्कोहल, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये होता है, हम लिख सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन आप हटाएंगे तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, NBS बेसिकली एलाइलिक कार्बन को हैलोजिनेट तो करता है, परंतु अगर आपका एल्कोहल दिया है तो ये उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। चलिए, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से आप आसानी से हैलोएल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम लोगों ने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी अल्कोहल की रिएक्शन आप PCl3, PCl5, SOCl2 के साथ में कराते हैं, तो यहाँ से आपको आसानी से हैलोएल्केन्स का फॉर्मेशन मिल जाता है। चलिए भाई, इन रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। हम थर्ड पैंथर्ड के बारे में बात कर रहे हैं।
थर्ड प्रिपरेशन मेथड। अब देखिए भैया, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल ले लेता हूँ CH3, ये CH2 और ये OH हो गया, इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हैं PCl3 के साथ में, यहाँ पर आपको बेस यूज करना है, जैसे पिरिडीन हो गया, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए ये जो रिएक्शंस होती है, तो इसमें हम लोगों ने सीखा हुआ था कि जो एक सीएल होता है, एक सीएल एक ओएच को रिप्लेस करता है। ठीक है भाई, इसमें कितने सीएल हैं? 3 सीएल है, मतलब हमें 3 ओएच चाहिए, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल ले लेते हैं। अब देखिए 3 ओएच को निकालेगा, 3 सीएल हैं, 3 ओएच को निकालेगा, 1 सीएल है, 1 ओएच को निकालेगा। अब देखिए ऐसे होता है, तो क्या होता है कि जब ये ओएच को निकालेगा और यहाँ पर सीएल लगा देगा, तो बेसिकली यहाँ पर बनने वाला जो सब्सटेंस हो जाता है CH3CH2 और ये सीएल हो गया, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 ओएच निकले हुए हैं। ठीक है भाई, 3 ओएच का मतलब 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक फास्फोरस ही बचा हुआ है, तो दोनों कंडेंस होकर के बनने वाला जो सब्सटेंस होता है बेसिकली ये H3PO3 हो जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूँ, अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ में? PCl5 के साथ में, तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, अगेन यहाँ पर मैं डैश कर देता हूँ ताकि यही हम बेस यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 सीएल होंगे जो रिएक्टिव होंगे, 1 सीएल ये CH2 को अटैच होगा, दूसरा सीएल HCl का अटैच हो जाएगा, तो HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। चलिए प्रोडक्ट बना देते हैं, ये CH3 और ये CH2, 1 सीएल जो निकलेगा तो ये CH2 से लगेगा, तो लीजिए HCl हो गया, 1 सीएल निकलेगा तो हाइड्रोजन से लगेगा, तो ये HCl हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या भाई? ऑक्सीजन बचा हुआ है, यहाँ पर PCl3 बचा है, तो ये दोनों कंबाइन होकर के बना देते हैं POCl3, इसको हम बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। अब देखिए भाई, अगर मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, CH3 और ये CH2 और ये OH हो जाता है, थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब देखिए भाई, यहाँ से 2 सीएल निकलेंगे, 1 सीएल CH2 को लगेगा, दूसरा सीएल हाइड्रोजन को लगेगा, तो चलिए प्रोडक्ट बना देते हैं, CH3 और ये CH2 और ये CL हो गया, दूसरा सीएल लगेगा हाइड्रोजन को, तो HCl हो गया, ये गैस हो गया। आप देखिए भाई, यहाँ पर बचा हुआ है ऑक्सीजन, यहाँ पर बचा SO, दोनों कंबाइन होकर के एंट्रॉफी को सपोर्ट करने के लिए ये आपका SO2 बन जाता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। हम लोगों ने सीखा हुआ है जो थायोनिल क्लोराइड होता है बेटर क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि जब इसके साथ में की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, दोनों गैसेज होते हैं, तो इनको आसानी से रिमूव कर दिया जा सकता है और यहाँ से आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। इन दोनों के केस में यहाँ पर जो बायो प्रोडक्ट्स होते हैं दोनों बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर ये गैसेज स्टेट में नहीं होते, तो मतलब है कि यहाँ पर आपको फर्दर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है ताकि इन बायो प्रोडक्ट्स को रिमूव करें, तब आपको ये प्रोडक्ट मिले, तो इसी वजह से इसको बेहतर क्लोरीनेटिंग एजेंट के फॉर्म में जाना जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, तो यहाँ से भी आप हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए भाई, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है? HCl HBr HI, तो ये क्या करेंगे? प्रोटॉन रिलीज करेंगे, तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन किया जाता है। तो हाँ देखिए, अल्कोहल का जब प्रोटोनेशन करेंगे तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और जहाँ भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट का पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। देखिए इससे रिलेटेड भी रिएक्शन कर लेते हैं। अब देखिए भाई, बेसिकली होता क्या है कि जब आप हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ में, तो H2 निकलेगा। अब देखिए H2 निकलेगा तो मतलब क्या है कि वेटिंग पार्ट आ जाएगा वहाँ पर, मतलब मॉइस्चर होगा, नमी होगा, तो यहाँ पर आपको यूज करना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं, क्योंकि जैसे ही वाटर बनता है तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस वाटर को बेसिकली ड्राई कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यही पार्ट है, यही चीज़ आप दिमाग में रखना है कि इन रिएक्शन में आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। हाँ ध्यान दीजिए, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल के बजाय सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल लिया हुआ है, ठीक है, उसका हैलोजिनेशन करना है बेसिकली बाय यूजिंग HBr या HI, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपने सेकेंडरी एंड टर्शरी लिया हुआ जिनसे OH ग्रुप आसानी से निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर चांस रहता है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट अच्छा सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया है तो अल्कोहल का हो जाएगा डिहाइड्रेशन और हेलो एल्केन्स बनने के बजाय वहाँ पर बन जाएगा एल्केन। एल्केन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पार्ट हम लोगों ने अल्कोहल के चैप्टर में डिटेल में सीखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दें ये चीज़ से आपको केयरफुल रहना। चलिए इसको इस रिएक्शन को हम समझ लेते हैं रीअरेंजमेंट कैसा होता है। चलिए यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ जैसे CH3 ले लिया और ये CH, ठीक है भाई, CH2 और ये हो गया CH, ठीक है, ये OH हो गया। ठीक है भाई, इस तरह से ये रिएक्शन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ में,
ठीक है। और यहाँ पे आपको एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है, Al2O3 हो गया, ठीक है। टेम्परेचर 300 to 350 डिग्री से टेम्परेचर मेंटेन करना डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर आप चाहें तो। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, हालांकि अल्कोहल के चैप्टर में मैंने लिस्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपके साथ में शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप कॉन्सनट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। आप H3PO4 भी यूज कर सकते हैं, KHSO4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया भाई, ये भी सभी आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। चलिए रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ये आपका एसिड है, ये H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है भाई। ये प्रोटॉन रिलीज कर दिया, आप देखिए इसके पास में लोन पेयर है, ये आसानी से लोन पेयर इसको सप्लाई करेगा। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये CH3, ये CH2 और ये CH2 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर दिया तो इसके पास में 5-2 चार्ज, अब इसके पास में 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन भी अटैच हो जाता है। अब ऑक्सीजन के पास में 5-2 चार्ज, हाईली अनस्टेबल, मतलब ये कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। जब पुल करेगा तो ये H2 निकल गया, ये H2 जब निकलता है तो इसको बर्न करने के लिए यहाँ पर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं, ताकि ये वहां पर मॉइस्चर प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस ना कर दे। अब देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे पुल करेगा तो यहाँ पर 5-2 चार्ज डेवलप होने वाला। लीजिए आपको कार्बोकोटाइन मिल गया CH3, और ये CH2 हो गया, और ये CH2 हो गया, ये मिल गया प्राइमरी कार्बोकोटाइन, ठीक है भाई, प्राइमरी कार्बोकोटाइन। अब देखिए ये प्राइमरी कार्बोकोटाइन है, अगर मैं इस 5-2 चार्ज को यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ तो ये सेकेंडरी कार्बोक्राइन में चला जाएगा। सेकेंडरी कार्बोक्राइन मतलब मोर स्टेबल कार्बोक्राइन, और मोर स्टेबल कार्बोक्राइन से बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर में चला जाएगा। यहाँ पर भी आप एनायन का अटैक कर सकते हैं, एनायन कौन भाई, ए सी एल माइनस आयन अटैक करेंगे तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, परंतु वो बेसिकली वो माइनर होगा, वो माइनर होगा। अगर हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर हमें स्टेबल कार्बोक्राइन चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको करना है हाइड्राइड शिफ्टिंग, मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेकर के जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं H- ये होता है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड शिफ्टिंग करना है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर के लेकर के जाएगा तो इसका 5-2 चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है तो यहाँ पर 5-2 चार्ज डेवलप होगा। तो लीजिए आपका सेकेंडरी कार्बोकोटाइन रेडी हो गया भाई। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन एनायन के साथ में कराएंगे, ये आकर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। तो चलिए यहाँ से आपका सेकेंडरी हैलाइड बन जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट का पार्ट आपको कंसीडर करना है, इन रिएक्शन में आपको यूज करना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर एक और रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे CH3 हो गया C, और ये CH3 हो गया, ठीक है, ये CH3 हो गया, और ये CH, और ये OH हो गया, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई, ये CH3 हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने HBr लिया हुआ है, ठीक है भाई, HBr डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आपको लेना है जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया भाई। ये आपका HBr का मतलब क्या, बहुत ही आसानी से H+ आयन देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में रखी है, लोन पेयर की है, सप्लाई करेगा इसको। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, CH3 और ये CH3 हो गया, ये CH3 दिया हुआ है, और ये CH3 हो गया भाई। अब इसके बाद में CH दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन के पास में 5-2 चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर दिया हुआ था, अब यहाँ पर CH3 हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा उसी पैटर्न में ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये H2O के फॉर्म में निकलेगा। अब यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल आ जाता है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल को आसानी से बर्न करेगा। अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH+ हो गया, अब यहाँ पर CH3 हो जाता है, ये हो गया आपका CH3। अब देखिए कौन सा कार्बोकोटाइन है भाई, ये सेकेंडरी कार्बोकोटाइन आपको मिल जाता है, सेकेंडरी कार्बोकोटाइन मिल जाता है। प्रोडक्ट तो बना सकते हैं परंतु वो माइनर में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर आपने 5-2 चार्ज इस कार्बन की तरफ ट्रांसफर किया तो मिल जाएगा टर्शियरी कार्बोकोटाइन, टर्शियरी कार्बोकोटाइन वही हमें स्टेबल कार्बोकोटाइन चाहिए ताकि हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिल सके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा क्योंकि कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो ये आप मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के इधर जाएगा तो यहाँ पर 5-2 चार्ज डेवलप हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिथाइल शिफ्टिंग, CH3 ये हो गया, शिफ्टिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग हो रहा है भाई। अब देखिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये CH3, ये इंटरमीडिएट बनता है, बेसिकली ये प्रोडक्ट नहीं है ये, अब क्योंकि अनस्टेबल रहता है, ये CH हो गया भाई, CH हो गया, और यहाँ पर क्या जाएगा, CH3 हो गया, और यहाँ से CH3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5-2 चार्ज लगा हुआ है, मतलब है कि ये फर्दर रिएक्ट करेगा, ठीक है भाई, 5-2 चार्ज लगा है मतलब फर्दर रिएक्ट करेगा ये, परंतु यहाँ पर स्टेबल कार्बोकोटाइन मिल गया।
स्टेबल कार्बन नाइन। अब देखिए यहाँ पर आप N9 का अटैक करेंगे, कौन सा एच बी आर लिया हुआ था, मतलब है कि यहाँ पर आपका बी आर माइनस दिया हुआ है, बी आर माइनस आसानी से इसको अटैक करेगा। अब बनने वाला प्रोडक्ट CH3, ये सी, ये सी एच थ्री, ये बी आर, और ये आपका सी एच, ये सी एच थ्री, और ये आपका सी एच थ्री, आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो यही पार्ट मैं आपसे बोल रहा था कि जब कभी भी बेसिकली आप अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डीहाइड्रेटिंग एजेंट, वहां पर आपको स्टेबल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, अगर चांसेज आप रीअरेंजमेंट हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन है हुंस डीकर रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में पढ़ा हुआ था। ये होती है आपके डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपको लेना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए हम लोग फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन कौन सी है, हुंस डीकर रिएक्शन। आप देखिए भाई, यहाँ पर आपको लेना है, क्या लेना है भाई, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, जैसे आपका हो गया CH3, ये CH2 हो गया, और ये COO हो गया, COO, इसको एसिड को, एसिड का पार्ट अगर शो करने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये AG हो गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में। अब यहाँ पर आपको सॉल्वेंट लेना है CCl4, और यहाँ पर यूज करना रिफ्लेक्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये पार्ट होता है। अब देखिए भाई, बेसिकली ये रिएक्शन जाती है या होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। बेसिकली होता क्या है, ये पार्ट हम लोगों ने मैकेनिज्म पार्ट आई थिंक कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में सीखा हुआ है। अब देखिए भाई, यहाँ पर होता क्या है, Br2 को आप कैसे लिख सकते हैं, Br, ये Br कर सकते हैं भाई, ठीक है, इसको बाउंड ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला जाएगा भाई, ठीक है। इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होती है तो एक डॉट इसके पास में, एक डॉट इसके पास में, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाती है तो एक डॉट इसके पास में, एक डॉट इसके पास में, ये डॉट कंबाइन हो जाएंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये CO2 फॉर्म में निकल गया, तो ये हो जाता है आपका डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 निकल गया भाई, ठीक है भाई। अब इसके बाद में ये AG डॉट और ये BR डॉट कंबाइन हो जाएंगे तो ये AgBr निकल गया, चलिए AgBr निकल दिया भाई। अब देखिए, ये दूसरा जो BR डॉट है ये CH2 डॉट्स के साथ में कंबाइन होगा तो ये CH3 और ये CH2 और ये BR हो जाता है, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये बेसिकली स्लो सॉल्ट ऑफ एसिड या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, और Br2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन ऐसे जाती है, ठीक है भाई। अब देखिए, बेसिकली अगर मैं यही कंपाउंड फिर से ले लेता हूँ CH3 CH2 और COO, यहाँ पर हो जाता है AG, ठीक है भाई, और यहाँ पर हमने डाल दिया Br2। अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जगह आपने AgNO3 भी लिया हुआ है, AgNO3 भी लिया है, तो बेसिकली इसमें भी आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा। मतलब ये क्या है कि इसकी ब्रेकिंग यहाँ से करेंगे, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से करेंगे, Br2 है तो Br2 को ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो CH2Br निकलेगा, AgBr निकलेगा, CO2 निकलेगा, तो रिएक्शन उसी पैटर्न में जाती है, ठीक है, ये Br हो गया, ये CO2 गैस हो गया भाई, और यहाँ से AgBr निकल जाता है, ये पार्ट आप दिमाग में रखें। मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जगह अगर आप AgNO3 डाल देते हैं तो रिएक्शन उसी पैटर्न में जाती है और सेम प्रोडक्ट बनते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लिया हुआ है और जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें अगर आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है तो वहाँ से आपको हेलो एल्केन का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। चलिए उस रिएक्शन को ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 और ये CCH3 ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, और यहाँ पर हम कर लेते हैं COO और यहाँ पर AG डाल दिया, ठीक है भाई। यहाँ पर Br2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर आपने डाल दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अब हीटिंग कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, अब होता क्या है, बेसिकली यहाँ से इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से हो जाएगी, ठीक है भाई, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होगी तो CO2 निकल गया। चलिए मैं यहाँ पे CO2 लिख देता हूँ, ये गैस हो गया भाई। अब इसके बाद में ये AgBr निकलेगा, AgBr निकल गया, AgBr निकल गया। अब ध्यान दीजिए भाई, खासतौर से इसमें अगर आप देखें तो ये जो एक Br बचा हुआ है, एक Br इस कार्बन को नहीं जाता है, इस कार्बन को नहीं जाता। रीजन क्या होता है भाई, इसमें अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पर अगर इसमें देखें, ये CH2 एच कर देते हैं भाई, CH2H, तो ये Br बेसिकली, ये Br इस हाइड्रोजन को जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाती है तो यहाँ पर हो जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाता है डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा CH3 और ये C और ये CH3 हो गया, CH3 हो गया, ठीक है भाई। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
ये सी एच टू, और ये हो जाता है आपका क्या हो जाएगा भाई, ये एच बी आर निकल जाएगा, ये एच बी आर हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसके केस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, हाँ ध्यान दें, अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया हुआ, टर्सरी एल्काइल हैलाइड अगर प्रेजेंस है, एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू अगर रिएक्शन कंप्लीट करना चाहें, तो ये डॉट डॉट बेसिकली ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये डॉट डॉट कनेक्ट हो जाएंगे, ये डॉट कनेक्ट हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड बनाएंगे भाई, और ये डॉट और ये बी आर, जिसमें से बी आर, बी आर ऐसे कर लेता हूँ, जिसकी बॉन्ड पे ये डॉट, ये डॉट। अब देखिए भाई, ए जी डॉट बी आर डॉट कंबाइन होकर के ए जी बी आर निकाल दिए, ये डॉट और ये डॉट कंबाइन होकर के डबल बॉन्ड आएगा, तो सी ओ टू के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक डॉट दिया हुआ, अब ये डॉट कंबाइन होकर के ये एल्केन बना देंगे, एच डॉट और बी आर डॉट कंबाइन होकर के एच बी आर बना देंगे। इस तरह से रिएक्शन आप समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इजी रिएक्शन है भाई। हाँ ध्यान दीजिए, अगर बी आर टू की जगह आपने लिया हुआ है आयोडीन, बी आर टू की जगह अगर आपने लिया हुआ आयोडीन, तो यहाँ पर भी आपको हेलो एल्केन नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एस्टर। तो इन रिएक्शन से थोड़ा सा केयरफुल रहें, यहाँ पर लगेगा कि रिएक्शन से एक ही पैटर्न में जा रही है, परंतु अगर आपने हेलोजन चेंज किए हुए हैं यहाँ पर और डिफरेंट टाइप के एल्काइल ले लेते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनने लगते हैं, तो इस रिएक्शन से आपको केयरफुल रहना है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया सी एच थ्री और ये सी एच टू, ठीक है भाई, और ये सी डबल ओ और ये आपका ओ हो गया, और यहाँ से आपने डाल दिया ए जी, ठीक है भाई। अब हो गया, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, हाइटो के साथ में, साल्वेंट आपने वही डाला हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है भाई, रिफ्लेक्स के प्रेजेंस में रिएक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या है भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि इसकी ब्रेकिंग ऐसे ऐसे होकर के CO2 निकल जाएगा, AgI निकल जाएगा, I इसके साथ में लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। I2 के केस में बनने वाला है एस्टर। आप देखिए भाई, ये I2 है और ये Ag है, तो 2 AgI निकालने के लिए हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड ले लेते हैं, तो 2 AgI यहाँ से निकल जाता है, ये 2 AgI निकल जाता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या होता है, यहाँ से हम बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आई टू पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से AgI निकल जाएगा, 2 AgI निकल जाएगा। अब देखिए बचा क्या है यहाँ पर, ये 2 मॉलिक्यूल्स इतना पोर्शन बचा हुआ है, ये कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में निकलेगा। अब यहाँ से मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा CH3, ठीक है, ये CH2, इसको आप सी डबल ओ कर सकते हैं, सी डबल ओ, और ये आपका मिल जाएगा CH2 और ये CH3। लीजिए ये एस्टर मिल गया, ये एस्टर, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, 2 टाइम इसको लिख दिया, सी डबल ओ को 1 टाइम लिख दिया। अब एक CO2 यहाँ पर बचा हुआ है, तो CO2 भी लिख देते हैं, ये गैसेस फॉर्म में। इस तरह से रिएक्शन होती है, ध्यान दीजिए भाई। तो ये एस्टर ही तो है आपका, ये एस्टर हो गया। ये एस्टर हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन रिएक्शन से थोड़ा केयरफुल रहे, आयोडीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो लगेगा कि हुंस डीकर की रिएक्शन हो रही है, परंतु यहाँ पर आपको एस्टर मिल जाएगा। टर्सरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है, क्या मिल जाएगा भाई, टर्सरी एल्काइल हैलाइड के केस में एल्केन मिल जाएगा, और बाकी का पार्ट ये तो ईजी पार्ट है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5th रिएक्शन है फिनकलस्टीन रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन होती है। इस नेम रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज मेथड के नाम से भी जाना जाता है, हैलोजन लिख देता हूँ यहाँ पर, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है भाई। यहाँ पर हम लोग हैलोजन का एक्सचेंज करते हैं, तब हम यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली इस नेम रिएक्शन में आप एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मेनली एल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए ये रिएक्शन डिजाइन की गई है, ठीक है भाई। हम लोग 5th प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये हो गया आपका CH3, CH2 और ये Cl हो गया भाई। अब देखिए इसकी रिएक्शन कराएंगे आप NaI सोडियम आयोडाइड के साथ में, इन द प्रेजेंस आप यहाँ सॉल्वेंट हो जाता है एसीटोन CH3 COO और ये हो गया आपका CH3 और यहाँ से हीटिंग करेंगे। तो होता क्या है, बेसिकली ये हैलोजन I की पोजीशन में चला जाएगा और ये I आ जाता है बेसिकली Cl की पोजीशन में, तो हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। तो अब देखिए क्या हो जाता है भाई, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और यहाँ से I आ गया और ये हो गया आपका NaCl, ये मिथाइल आयोडाइड, एथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, इस वजह से इस मेथड को हैलोजन एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे एक और ये एथाइल ब्रोमाइड ले लेता हूँ CH3 और ये हो गया आपका CH2 और ये आपका BR हो गया, उसी पैटर्न में रिएक्शन चली जाएगी, यहाँ पे आई लेना है, ठीक है, यहाँ पर
एसीटोन ले लेंगे, एसीटोन हो जाएगा भाई, हीटिंग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ACH3, ये CH2 हो जाएगा, यहाँ से आपका आई हो जाएगा, मतलब आई BR की जगह पे आएगा, BR चला जाएगा आई की जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका NaBr। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं सिक्स्थ रिएक्शन के बारे में बात करूँ, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये हो गया आपका सिक्स्थ रिएक्शन। इस मेथड से बेसिकली आप एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्काइल फ्लोराइड, ठीक है भाई। यहाँ पर जो आपको रिएजेंट्स यूज करने हैं, तो ये मर्क्यूरियस फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, फ्लोराइड हो गया, AgF यूज कर सकते हैं, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, या आर्सेनिक ट्राईफ्लोराइड, ये हो गया AsF3 हो गया, या एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, इनका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हैलोजन एक्सचेंज होता है तभी आपको एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, और ये CH2 हो गया, और ये Cl हो गया। आप ध्यान दीजिए भाई, इसकी रिएक्शन अगर आप HG2Cl F2 के साथ में कराते हैं, F2 के साथ में, तो क्या होता है भाई, हैलोजन एक्सचेंज होगी। यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये FCl की जगह पर, Cl F की जगह पर हैलोजन एक्सचेंज होने लगता है, 2CH3, ये CH2, और ये हो गया आपका क्या हो गया भाई, F हो जाता है। यहाँ से आपको मिल जाएगा HG2 और ये Cl2 मिल जाता है। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं इस रीजन के बारे में बात करूँ, ये जैसे CH3 दिया हुआ है, ये CH2 दिया हुआ है, और ये हो गया आपका Cl हो गया, यहाँ पर आपने AgF लिया, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, इधर जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये CH3, ये CH2, और ये आपका F हो गया, यहाँ से AgCl सेपरेट हो जाता है, ठीक है भाई। अगर मैं एंटीमनी, ये हो गया ट्राईफ्लोराइड ले लेता हूँ, जैसे CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये Cl हो गया भाई, यहाँ से अगर आपने लिया है एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, अब देखिए यहाँ पर 3F है, यहाँ पर 1Cl है, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका CH3, 3CH3, और ये CH2, और ये हो गया आपका F, और यहाँ से हो जाता है SB, एंटीमनी हो गया, और यहाँ से हो जाएगा Cl3। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेसिकली जो फिनक्लिस्टीन रिएक्शन है मेनली एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है यहाँ से आप एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और ये जो दोनों रिएक्शन हैं, ये दोनों रिएक्शन हैं बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन को आप हैलोजन एक्सचेंज मेथड के कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। 7th रिएक्शन है रिडॉन्स मेथड, इस मेथड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम बेसिकली एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं ट्राईफिनाइल फास्फेट के साथ में, और हम बना लेते हैं हेलो एलिकेन। 7th प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल्कोहल, ये एल्कोहल हो गया भाई, Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ट्राईफिनाइल फास्फेट, ये 3 हो गया, और ये PO हो जाता है, हीटिंग करना। आप ध्यान दीजिए भाई, इसकी ब्रेकिंग यहाँ से करेंगे तो एक Br इसको जाएगा, तो लीजिए हेलो एलकेन्स आपका रेडी हो गया, हेलो एलकेन्स। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से C6H5O एक मॉलिक्यूल निकलेगा, इस हाइड्रोजन से अटैच होगा तो बना देगा आपका फिनॉल, फिनॉल बना देता है। आप देखिए भाई यहाँ पर होता क्या है, एक Br जाकर के इस PO के साथ में, क्योंकि इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होकर के ये जब मॉलिक्यूल निकलता है तो एक Br आकर के इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाता है C6H5O होल ट्वाइस, 2 मॉलिक्यूल्स बचे यहाँ पर, और ये हो जाता है POBR। इस तरह से इसी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, और ये आपका हेलो एल्केन्स मिल जाता है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स।